हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स ऑफ द डे के पार्ट 13 के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि मैंने 12 पार्ट तक कंप्लीट करा चुका है और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन 12 पार्ट को देख लेते हैं तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि आपके एग्जाम्स में इससे बाहर के कोई भी टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस आप एक बार वीडियो को देख कर पता आपको खुद चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके लेवल का किस तरह का है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर वीडियो को देखेंगे। तो फिलहाल बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस की, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच की जितनी गैपिंग होती है उनके बीच का, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गैपिंग कितना है, 9 बजे से लेकर 11 बजे, यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटे का जो गैपिंग है, इनके बीच जो सबसे पहले चलता है उनकी दूरी आप निकाल लो। तो सबसे पहले यानी कि अगर मैं गैपिंग की बात करूं तो 9 और 11 के बीच 2 घंटे का गैपिंग है, तो 2 आवर में ये सबसे पहले कौन चलेगा, ए चलेगा। तो अगर 2 1 घंटे में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 2 घंटे में कितनी दूरी कवर करेगा, 50 किलोमीटर वो कवर कर लेगा। ठीक है, जब 50 किलोमीटर कवर करता है तो 260 में से 50 घट जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब मान के चलिए कि ये हुआ, देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, और ये 9 बजे स्टार्ट करता है चलना, और ये आपका क्या होगा कि ये 11 बजे स्टार्ट करेगा। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी जो दूरी थी वो 260 किलोमीटर थी। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 9 बजे से स्टार्ट की तो 2 घंटे में कुछ चला होगा, तो यानी कि मान के चले कि ये 50 किलोमीटर यहाँ तक कवर कर लिया। ए अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ से अब तब भी यहाँ पर 11 बजे से स्टार्ट करता है। ठीक है, बी स्टार्ट यहाँ से करता है, जो कि यहाँ से इधर की तरफ आएगा और ये इधर की तरफ, तो इतना डिस्टेंस तो कवर कर लिया ए। तो अब आपके पास बचा कितना होगा, रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा वो कितना बचेगा। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिस्टेंस, वो हमारे पास कितना बचेगा। तो आप बोलोगे कि 260 में से 50 घटेगा तो 210 रिमेनिंग बचा होगा, 260 किलोमीटर। क्लियर। अब इन 260 किलोमीटर को ही जो ए और बी होंगे दोनों कवर करेंगे, जो कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जो एक इधर से जा रहा है तो एक इधर से आ रहा है। तो आपको पता होगा कि जब दोनों विपरीत दिशाओं में जाते हैं तो उनके जो चाल होते हैं क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ में हम लोग को पूछा गया कि टाइम, तो हमें पता करना हो कि दोनों कितने घंटे के बाद मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर निकालता हूँ टाइम इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो दूरी उन दोनों के बीच की 210 किलोमीटर है और चाल उन दोनों का ऐड हो जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जो कि देखिए ए जो था वो कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा था, और जो बी था वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है इधर। तो हम इनको 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35, यहाँ पे मैं 35 ले लेता हूँ। ठीक है, 35। अब ये किलोमीटर पर किलोमीटर में है और किलोमीटर पर घंटा में है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये मैं 5 से कटाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 से कटाता हूँ, 7 × 5 = 35, और ऊपर में 7 होता है, 7 यानी कि 30 बार में ये कटेगा, और यहाँ से इसको कटाऊँ तो ये 6 बार में, यानी कि टी की जो वैल्यू है कितना है, 6 आवर। ठीक है, 6 घंटा लगेगा अब इन दोनों को एक दूसरे से कवर करने में। तो अब बताइए कि 11 बजे जब स्टार्ट किया था बी, यानी कि 11 बजे से ही टाइम को ऐड किया जाएगा, तो 11 घंटे से स्टार्ट हुआ इन दोनों को कवर करने का जो टाइमिंग था, तो 11 और 6 कितना होता है। ठीक है, तो 11 और यानी कि 6 अगर जोड़े तो शाम का 5 बज जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शाम को 5 बजे ये लोग दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि शाम को 5 PM में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु जो थी वो 20 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं 6 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो 6 की कुल आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 120 × 6 = 120 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 6 सदस्यों की कुल आयु होगी 120 वर्ष। अब क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है कि यदि नौकर की आयु को शामिल कर लिया जाए तो उनके जो औसत आयु थी वो 25% की वृद्धि हो जाती है। तो मान के चलिए कि अब जो पहले औसत आयु कितनी हो जाती है, ये हम लोग निकाल लेते हैं कि वृद्धि हो जाइए। तो पहले औसत 20 था, अब औसत कितना हो जा रहा है, 25% की वृद्धि, यानी कि 125/100। ठीक है, ये देखिए 20 × 25 = 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 125। ठीक है, 25 वर्ष हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 7 व्यक्ति की कुल आयु, जैसे कि 6 तो पहले थे, एक नौकर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 7। तो 7 और 25 × 25 = कितना होता है, 175। ठीक है, 175 होता है। अब ये 6 परिवार की कुल आयु थी और ये इसमें नौकर के 7 परिवार की कुल आयु, तो क्या मैं बोलूँ कि कुल में से अगर इसको 120 को घटा दूँ तो यहाँ पे नौकर की आयु निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नौकर की आयु। ठीक है,
नौकर की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 175 में से आपका 120 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 5 और ये 5, यानी कि 55 वर्ष का जो है वो नौकर था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान करता है तथा शेष 20% अपने बैंक में जमा कर देता है, तो उसके पास 12,800 रुपये बचते हैं, तो अमित की आय कितनी है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि उसकी जो आय थी वो 100% थी, तो उसने 20% को बैंक में दे दिया, ठीक है, 20% को सॉरी स्कूल में दिया था ना, 20% स्कूल में। जब 20% स्कूल में दिया तो अब उसके पास बचा कितना था, 80% रिमेनिंग था, ठीक है। अब 80% का देखिए यहाँ पर बोला जाता था शेष 20% अपने बैंक को, यानी कि 80 का 20% वो क्या करता होगा, जो कि बैंक में जमा कर देता है, यानी कि यहाँ से अगर इसको मैं कटा दूँ तो ये 16% जो होगा वो उसने बैंक में जमा किया। बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 20% स्कूल में जमा किया, 16% उसने बैंक में दिया, तो अब उसने टोटल दिया कितना ये आप निकाल लो, टोटल उसने खर्च कितना किया, ये तो खर्च ही हो गया, तो 20 और 16 हो जाएगा 36, यानी कि टोटल 36% उसने खर्च किया, तो बचा कितना होगा उसके पास, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि उसके पास बचा होगा कितना, 100 में से अगर 36 खत्म हुआ तो 64 उसके पास बचा होगा, 64% की जो वैल्यू है, यानी कि 64% बचा होगा, तो शेष उसका जो रुपया दिया था 12,800 रुपये उसके पास शेष बच रहा है। यहाँ पर लिखा है ना कि उसके पास अब 12,800 रुपये, तो 64% की जो वैल्यू है वो 12,800 है, तो पूछा कि अमित की आय कितनी, यानी कि 100% इक्वल टू कितना होगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 64 दूना होता है 128, तो यानी कि 200 हो जाएगा, तो 200 यानी कि 200 और ये आपका 100 का मल्टीप्लाई इसमें चला जाएगा, तो यानी कि 20,000 रुपये उसकी जो आय थी वो 20,000 रुपये थी, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 संख्याओं की औसत जो है वो 7 है, यदि प्रत्येक संख्या दुगनी हो जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हमको कुछ नहीं करना होता, बस क्वेश्चन देख को आप आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बोला गया औसत 7 है और प्रत्येक संख्या में दोगुना की जाती है, तो यहाँ पे जो भी आपका औसत दिया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वो सिंपल नया औसत इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, नया औसत इक्वल टू आप करो क्या कि औसत गुने मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि दो गुना यहाँ पे बोला जाता है, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 गुने 2 यानी कि 14, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बस इसी तरह से शॉर्ट में करना होता है, कुछ है तो होता नहीं है इसमें, मैं आपको बस बता दें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपया हो जाती है तथा 3.5 वर्षों में 969 रुपया होती है, तो हमें से पूछा गया कि ब्याज की दर क्या है। देखिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग करते हैं आप ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 918 रुपया हो जाती है, यानी कि 2 वर्ष में, मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा कि 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष में हो जाती है कितना, 918 रुपये। ये क्या है, ये मिश्रधन है, ठीक है, यानी कि ये अमाउंट है, यहाँ पे आपको बताता हूँ अमाउंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अमाउंट है। अब आगे क्या बोला गया कि 3.5 यानी कि जब 3.5 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 969 रुपये, ये भी आपका अमाउंट ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो कितना का अंतर है, तो 1.5 वर्ष का, यानी कि 1.5 वर्ष का अंतर कितना हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखिए, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पे 5 में से 6 यानी कि 51, ठीक है। 1.5 वर्ष का, 1.5 वर्ष में जो ये आपका आता है, ये आपका आता है ब्याज, ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, जब भी आप मिश्रधन से मिश्रधन को यहाँ से घटा लेते हो तो ये आपका आता है ब्याज, यानी कि आपका जो ये क्या होता है, इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट आ जाता है, तो ये 1.5 वर्ष का 51 होता है, तो क्या मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि 1 वर्ष का कितना हुआ, तो 1 वर्ष के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 51 बटा में यहाँ पे 1.5 और ये आपका पॉइंट में हटा कर ऊपर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहाँ पे 5 से मैं कटाता हूँ, 5 3 15, 5 2 10 और ये आपका हो जाएगा 7 17 51, तो ये 1 वर्ष की मैं बात करूँ कि 1 वर्ष में ब्याज हम लोगों को कितना मिला, तो 34 रुपया मिला है ब्याज, ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ष में 34 रुपये का ब्याज मिलता है, तो हम लोग को क्लियर करना है 2 वर्ष पे, तो मैं यहाँ पे 2 वर्ष के ब्याज निकाल लेता हूँ कि 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का ब्याज 34 दूना 68 रुपया हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रुपया, ठीक है, 34 दूना 68 रुपया हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज। अब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमको निकालना है ब्याज की दर। अब देखिए अमाउंट आपके पास 2 वर्ष का इतना है और 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो क्या मैं यहाँ से अगर अमाउंट से अगर मैं ब्याज को घटा लूँ
यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मैं अमाउंट से ब्याज को घटा लूँ तो हमारे पास मूलधन निकल जाएगा कि 2 वर्ष का मूलधन कितना था, ठीक है। तो मूलधन हमारे पास निकलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर हम लोग निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो कि 918 में से अगर मैं 68 को घटा लूँ तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्रिंसिपल, तो जो कि ये 0 हो गया, और यहाँ से आपका 11 में से 6 गया तो ये हो गया 5 और ये 8, यानी कि 850 रुपया जो हो गया आपका मूलधन हो गया। और अब हम सिंपल फॉर्मूले की यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100, ठीक है, क्योंकि हमें रेट निकालना है। तो एस आई हमारे पास दी गई है 2 वर्ष के लिए। सबसे देखिए यहाँ पे 2 वर्ष मैंने क्यों निकाला, जो भी आपका छोटा सबसे जो वर्ष होता है उसी पे हम लोग क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 वर्ष का निकाला है, तो 2 वर्ष जब भी छोटा वाला हो उसी के साथ निकालेंगे, क्लियर। देखिए ऐसा ही हमारे पास 2 वर्ष में कितना है था, 68 रुपये, तो मैं यहाँ पे 68 लिख लेता हूँ, क्लियर। अब देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी मैंने लाई, 850, ठीक है। आर हमें निकालना है, टी हम लोगों ने 2 वर्ष पर क्लियर किया है तो 2 वर्ष लिखेंगे, यहाँ पर आपका 0 का 0 हो गया, क्लियर। 1 0 से मैं 1 0 कटाता हूँ, ये 2 से 5 मैंने कटा लिया। 17 का टेबल पढ़ूंगा, 17 5 85, 17 4 68, ठीक है। यहाँ से ये 5 से 5 खत्म, आर की वैल्यू क्या निकली, आर की वैल्यू निकल गई 4%, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार और ट्राई कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को किस सॉरी हाँ 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, जिससे कि मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए इसको हम एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 30 रुपया दिया गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए 30 रुपये की मैंने एक चीज़ खरीदा था, जो कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी खरीदा था, और एक पैन चीनी खरीदा था 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों को मिला करके हम लोग किस अनुपात में मिलाया जाए, कि इसको मैं बेचूं तो हमें 42 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचूं तो 20% का लाभ हो। तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं है कि हमें यहाँ पे कितना वैल्यू रखना होगा। तो सबसे क्यों, क्योंकि हमें हमारे पास जो दी गई है वो 42 क्या है, वो 42 SP में दी गई है, 42 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। तो ये हमारा CP था, ये CP था, ये CP था, तो यहाँ पर भी जो भी आएगा वो CP की वैल्यू ही आएगी। तो CP हम लोग यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जब 42 रुपये में बेच रहे थे तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो जो एग्जैक्टली दोनों को मिलाने के बाद CP जो बनेगा वो X है, और 20% की लाभ, तो 120 अपॉन में यहाँ पे मान लेता हूँ 100, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। आप देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए ये 6 और ये 5, 20 6 के 20 ऐसे 20 25 100, ठीक है। और ये देखिए 7 भर में कटा, तो X की वैल्यू क्या आ गई, 7 5 35, तो यहाँ पे अब मैं 35 रख दूंगा। अब आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 में से जो आपका 45 में से 10 35 गया तो ये आपका 10, और यहाँ से आपका 5, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा, 2:1, तो इसी के रेशियो में हमको मिलाना होगा। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा फेमस है, इसको आप VVI मान के चलो, ठीक है, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को अभी तक एंड तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक ठोकेंगे, और अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है यार, क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छे से वीडियो मैं आपको बताता हूँ और आप वीडियो को लाइक तक नहीं करते हो, तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। और बस आप अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में जरूर शेयर किया करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ सके। अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले में घंटे वाले बटन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।